बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माय नेम इज़ डॉक्टर ज़फ़र फारूकी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट डिग्री बॉयज़ कॉलेज, KMC स्टोर, नश्तर रोड, कराची। Today, my topic is from first year biology. My today's lecture is from first year biology, section 4, functional biology, chapter 13, gaseous exchange, page 308 to 322, 13.3. Gaseous exchange in animals, respiratory organs of terrestrial and aquatic animals, respiratory organs of hydra, respiratory organs of earthworm, page 313. Respiratory organs of earthworm. Today we are going to discuss respiratory organs of earthworm, how the respiration take place in earthworm. How the respiration takes place in earthworm. ये आज हम discuss करेंगे earthworm के अंदर respiration कैसे होती है. Earthworm belongs to the phylum Annelida. इसमें segmented worm, इसमें respiration कैसी होती है ये आज हम discuss करेंगे. Chapter 13, gaseous exchange. Today we are discussing respiratory organs of earthworm. Respiratory organs of earthworm. How the respiration take place in earthworm? Kaise hoti hai respiration? Earthworm has a tubular body pattern with developed organ system, but there are no specialized respiratory organs. Earthworm belongs to the phylum Annelida. उसके करेक्टरिस्टिक्स में आपने देखे एक सेपरेट लेक्चर जिसमें देखें ट्यूबुलर बॉडी, इलॉन्गेटेड ट्यूबुलर बॉडी, सेगमेंटेड वॉर्म्स होते हैं एनिलिडा विद डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम. ऑर्गन सिस्टम है, क्लोज टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन है, गट कंप्लीट है, एक्सक्रीशन सेप्टल नेफ्रिडिया की मदद से हो रहे हैं, सिस्टम डेवलप्ड है, लेकिन रेस्पायरेटरी सिस्टम डेवलप नहीं है उसका. बट देर आर नो स्पेशलाइज रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स नहीं है, ये इसकी खास बात है. तो कैसे होती है इसमें रेस्पायरेशन? इट यूजेज इट्स वेट स्किन, गीली स्किन, एज अ रेस्पायरेटरी सरफेस डेट ऑफर्स इनफ सरफेस एरिया फॉर एफिशियंट गैस एक्सचेंज थ्रू डिफ्यूजन. डिफ्यूजन के जरिए होती है. इन ऑर्डर टू कीप द स्किन मॉइस्ट, अर्थवॉर्म हैज टू लिव इन अ डैम्प प्लेस. गीली मरतूब जगहों, मॉइस्ट प्लेसेस में रहते हैं ताकि उनकी स्किन मॉइस्ट रहे, ताकि एक्सचेंज ऑफ द गैसेस, ऑक्सीजन अंदर आए, डिफ्यूज हो जाए और कार्बन डाइऑक्साइड निकले, आसानी से हो सके. द मॉइस्चर इज एब्जॉर्ब बाय द म्यूकस सिक्रेटिंग गॉबलेट ग्लैंड्स इन द स्किन ऑफ अर्थवॉर्म. टू कीप देयर स्किन मॉइस्ट दे हैव स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स इन देयर स्किन विच आर नोन एज म्यूकस सिक्रेटिंग गॉबलेट सेल्स. ये म्यूकस सिक्रेट करते रहते हैं और जाहिर सी बात गीली मरतूब जगहों पे रहते हैं, मॉइस्ट प्लेसेस पे, तो वहाँ स्किन मॉइस्ट भी रहती है, म्यूकस उसके साथ मिलता है, मॉइस्ट रहती है. इस मॉइस्ट रहने की वजह से गैसेस एक्सचेंज आसानी से होता है, यानी कि ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाती है बॉडी के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है. इसकी तफसील अभी मजीद और देखते हैं. सेक्शन 4, फंक्शनल बायोलॉजी. Respiratory organs of earthworm. Respiration in earthworm. Respiration in earthworm. ये देखिए. In order to keep the skin moist, earthworm has to live in a damp place. Of course. अब इसकी skin के through एक section दिखाया गया है. Transverse section of part of body wall of diagrammatic बना के दिखाया गया है.
द मॉइस्चर इज एब्जॉर्ब बाय द म्यूकस सिक्रीटिंग गॉबलेट ग्लैंड्स इन द स्किन ऑफ अर्थवॉर्म। यहाँ देखिए, ये देखिए म्यूकस ग्लैंड सेल्स, ये सिक्रीट करते हैं म्यूकस, और ये जगह ओपनिंग ऑफ म्यूकस ग्लैंड सेल, ओपनिंग ऑफ म्यूकस ग्लैंड सेल से ही म्यूकस बाहर की तरफ आता है और मॉइस्चर बाहर से ही ले लेते हैं, गीली जगहों मरतूब जगह रहती है, ये जगह स्किन इनकी गीली रहती है, स्किन इनकी गीली रहती है, म्यूकस ग्लैंड सेल और दीगर एल्ब्यूमिन सेल एंड सपोर्टिंग सेल्स है, बेसल सेल्स है, ऑफकोर्स सर्कुलर मसल एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल जो इनकी इनकी मूवमेंट में मदद करते हैं, इसकी अब जिक्र नहीं करें। इस ये बहुत अहम है, म्यूकस ग्लैंड जो म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड से ये सिक्रीट करते हैं ताकि इसकी स्किन मॉइस्ट रहे और पानी बाहर जो मौजूद होता है गीली मट्टी के अंदर, तो ये भी मिलके इसकी स्किन को चिकना रहते हैं, गीला रखते हैं, मॉइस्ट रखते हैं ताकि गैसेस एक्सचेंज आसानी से हो सके। कुछ जगहों पे तो नहीं, खुश जगह पे तो नहीं हो सकेगा ना, आसानी से गीली होगी तो ऑक्सीजन जल्दी आसानी से आ जाएगी। तो ये स्किन का एक सेक्शन दिखाने की डायग्रामेटिक दिखाने की है स्किन, बहुत अच्छा, इसकी मदद से ताकि आपको पता चल जाए इसकी स्किन के अंदर कौन कौन से सेल हैं। फंक्शनल बायोलॉजी सेक्शन 4। However, due to the large size and complexity of the body of the earthworm, the distribution of the respiratory gases, अब gases तो अंदर आ गई body के अंदर, skin के अंदर, distribution कहते हैं, from skin to each part of the body of earthworm and vice versa poses a problem since the distribution cannot distribute gases rapidly to distinct cells within the animal. इन्हें फर्ज करें gas आ गई का ऑक्सीजन आ गई इसके स्किन के अंदर, अब उसको पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना है, बॉडी के हर एक पार्ट से ले रहे हैं ऑक्सीजन, स्किन के जरिए आ गई, अब डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना है, उसके लिए क्या है, सो द अर्थवर्म हैज डेवलप्ड अ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ये बहुत वेल डेवलप्ड है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ये इसका बहुत अच्छा डेवलप्ड है, विच कैन एफिशियंटली एंड रैपिडली ट्रांसपोर्ट रेस्पायरेटरी गैसेज, ऑफकोर्स ऑक्सीजन को लेके विद इन द बॉडी वो फैला देते हैं। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इसका वेल डेवलप्ड है, जैसे ऑक्सीजन आती है डिफ्यूज हो जाती है उनके ब्लड कैपिलरीज के अंदर, स्किन के अंदर जो ब्लड कैपिलरीज ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें डिफ्यूज हो जाती है डायरेक्टली, और कार्बन डाइऑक्साइड जो वो लेकर आ रहे हैं वो स्किन के थ्रू बाहर निकल जाती, ऑक्सीजन अंदर आ जाती कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती, दिस सिंपल डिफ्यूजन के जरिए हो रहा है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन जो है वो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के जरिए हो रहा है एफिशियंटली, ये They take up the oxygen आसानी से हो जाता है। फंक्शनल बायोलॉजी, ये देखिए ये डायग्राम देखिए, ये देखिए ये ऑक्सीजन आई, ये डिफ्यूज हो गई, अब यहां ऑक्सीजन डिफ्यूज हो गई, द ब्लड वेसल्स एब्सॉर्ब द ऑक्सीजन, ब्लड वेसल्स यहां पर ये देखिए ब्लड वेसल्स हैं, ये पूरे यहां पर ब्लड वेसल, ये ब्लड वेसल, ये इनकी म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड्स की बात करते हैं, मैं ब्लड वेसल, ये देखो ब्लड वेसल ये आ रही, ये आ रही है, ये ब्लड वेसल, ये ऑक्सीजन आई, द ब्लड वेसल एब्सॉर्ब द ऑक्सीजन एंड कैरी इट टू द बॉडी, कैरी इट टू द बॉडी थ्रू ऑफकोर्स ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल टेक करते और कैरी इट टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये ऑक्सीजन डिफ्यूज इन, ऑक्सीजन डिफ्यूज इन, कार्बन डाइऑक्साइड यहीं से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, जो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आ रहे हैं यहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कार्बन डाइऑक्साइड लिखा रहे निकल गया और ऑक्सीजन अंदर आई, अब ऑक्सीजन क्या हो गई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया और वो आगे की तरफ जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, ये ब्लड वेसल्स इस तरह ऑक्सीजन को ले लेंगे और इनमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकाल दे, डिफ्यूजन टेक प्लेस थ्रू द थिन स्किन ऑफ अर्थवॉर्म, थिन स्किन ऑफ अर्थवॉर्म सेक्शन थ्रू द वॉर्म्स स्किन, ये बहुत अहम डायग्राम है, ये डायग्राम एग्जाम में जरूर बनाइएगा, ये डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन डिफ्यूज हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड स्किन के जरिए बाहर निकल रही है, ये डायग्राम एग्जाम में जरूर बनाइएगा, ये डायग्राम बहुत अहम है। अर्थवॉर्म हैज डेवलप्ड अ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम विच कैन एफिशिएंटली रैपिडली ट्रांसपोर्ट रेस्पिरेटरी गैसेस विद इन द बॉडी, दिस इज ब्लड वेसल, द ब्लड वेसल्स एब्सॉर्ब द ऑक्सीजन एंड कैरी इट टू द बॉडी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सेक्शन दिखाने का मकसद ये था कि आपको पता चले ब्लड वेसल दे आर टेकिंग अप द ऑक्सीजन विच आर डिफ्यूज इन टू द बॉडी, बॉडी के अंदर जो डिफ्यूज हुआ ऑक्सीजन उसको ले रहे और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई, डिफ्यूज आउट हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज आउट हो गई, रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस स्किन
अर्थ वर्म हैव टू लिव इन अ डैम्प मॉइस्ट प्लेसेस, ये देखिए घास वगैरह यहाँ रह रहा है, तो ये बहुत अहम है, ऑक्सीजन एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू डिफ्यूजन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू डिफ्यूजन इन अर्थ वर्म थ्रू देयर बॉडी सरफेस, थ्रू देयर बॉडी सरफेस से हो रहा है. इन ऑर्डर टू कीप द स्किन मॉइस्ट अर्थ वर्म हैज टू लिव इन अ डैम्प सॉइल, डैम्प सॉइल, ताकि स्किन मॉइस्ट भी हो, म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स म्यूकस सिक्रीट करते रहते हैं, म्यूकस सिक्रीट करते रहते हैं. ये ऐसे रेस्पायरेशन हो रही है अर्थ वर्म के अंदर इस रेस्पायरेशन. फिर ये देखिए रेस्पायरेटरी सिस्टम, एक और डायग्राम देखिए, वॉर्म कैन सर्वाइव ओनली इन द वॉटर और इन डैम्प प्लेस, कुछ जगहों पे नहीं रहेंगे, डैम्प प्लेस पे रहेंगे वरना ड्राई होकर मर जाएंगे. देखिए कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज आउट हो गई और नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, अभी पिछले डायग्राम में भी देखा, वेसल एंड कैपिलरीज लाइंग बीनीथ द स्किन, बिल्कुल स्किन के बिल्कुल नीचे जो होती है वो एकदम से ऑक्सीजन को ले लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वहां से निकल गई. ऑक्सीजन डिफ्यूज इन टू द नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स एंड कैपिलरीज लाइंग बीनीथ द स्किन, स्किन के जस्ट नीचे जो नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स एंड कैपिलरीज है वो ऑक्सीजन को ले लेगा, फॉरन ऑक्सीजन को फॉरन ले लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज आउट इमीडिएटली निकल जाएगी. द अर्थवर्म मेक्स यूज ऑफ इट्स मॉइस्ट स्किन सरफेस टू एक्सचेंज गैसेस बिटवीन इट्स सर्कुलेटरी सिस्टम एंड इट्स एंड टू द एनवायरमेंट. ये हो रहा है, नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स एंड कैपिलरीज लाइंग बीनीथ द स्किन इमीडिएटली टेक अप ऑक्सीजन विच इज डिफ्यूज इन टू द स्किन, स्किन के अंदर डिफ्यूज जैसे हुई ये ले लेंगे, नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स एंड कैपिलरीज लाइंग बीनीथ द स्किन, ये फॉरन ऑक्सीजन को ले लेंगी और कार्बन डाइऑक्साइड यहां से बाहर निकल जाएगा. अर्थवर्म हैज डेवलप अ ब्लड वैस्कुलर सिस्टम विच कैन इफिशियंटली एंड रैपिडली ट्रांसपोर्ट रेस्पायरेटरी गैसेज विद इन द बॉडी, रेस्पायरेटरी गैसेज विद इन द बॉडी ये इस तरह ले लेंगे. ये बहुत अहम है इनका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, जैसे ही ऑक्सीजन लेता है वो पूरी बॉडी में फैला देता है, ये बहुत अहम है इनका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, वेल डेवलप्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम. अर्थवर्म यूज इट्स वेट स्किन एज ए रेस्पायरेटरी सरफेस दैट ऑफर्स इनफ सरफेस एरिया फॉर एफिशिएंट गैस एक्सचेंज. ये पहले मैंने जिक्र किया, दोबारा ये पॉइंट लिखने का मकसद है ताकि आपको समझ में आ जाए. These are the few references which are used during this lecture. Acknowledgement के तौर पर references का देना ज़रूरी है. इन तमाम references का शुक्रिया, इनकी मदद से lecture बनाने में बहुत आसानी हुई है और हमेशा मैं अपने lectures के आखिर में references देता रहता हूँ. Acknowledgement के तौर पर references देना ज़रूरी होती है जो slide यूज हुई है. इन तमाम references का बहुत बहुत शुक्रिया. Thanks for watching this video lecture. The students are always welcome to ask any question in the comment box. I will try to answer all questions. Thanks. मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कमेंट बॉक्स में कोई भी सवाल हो वो ज़रूर लिखें, पूछें इस लेक्चर से मुतालिक. मैं तमाम सवालात के जवाब देने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह. उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा. कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में. आइंदा एक और लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़.